علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء गर्दन की नालियों की हालत यह आप लोगों के सामने है और बाज़ू की हालत देखें अभी तक इतनी स्वेलन और पता नहीं जैसे क्लॉट जमे हुए होते हैं उस तरह से ऊपर से टांग में देखें इधर भी ब्लड आई जा रहा है बिस्मिल्लामरिम असलम वेलकम बैक टू तो माई चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हम भी अलहमदिल्ला से बस ठीक है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी दिन भर की रूटीन कि समर वेकेशन में मैं सारा दिन कैसे गुजारती हूँ तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी सुबह सुबह जनाब यहाँ पे क्या बन रहा था मैंने बनाना था जो का दलिया और उसमें मैं सिर्फ दो खजूरें डालती हूँ और अगर कोई ड्राई फ्रूट्स पड़ा हो तो वो डाल लेती हूँ शुगर ऐड नहीं करती हूँ नाश्ता करने के बाद बच्चों को नाश्ता देने के बाद जाके ड्रेसअप होके उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में बाकी के अपने काम करने के लिए बर्तन वगैरह धो के मैं आ गई बाहर और यहाँ पे मैंने देखा जी प्लांट्स मेरे थोड़े थोड़े हो रहे थे ड्राई और इनकी कांड छांट जो है ना ये बहुत ज़रूरी है साथ ही साथ और फिर आपके पौधे जो है ना वो अच्छे से ग्रो भी होते हैं यहाँ पे बहुत गर्मी रही है पिछले दिनों में बहुत गर्मी है तो मेरे पौधे बेचारे जो हैं कुछ जलना स्टार्ट हो गए थे तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना इनको अच्छी तरह साफ़ करते हैं और साथ ही साथ बालकनी जो है उसको भी साफ़ करते हैं आपको पता ही है हम हाउस वाइफ जो है ना फ्री हम कहाँ रह सकती हैं हमें अपने घरों को संवारना सजाना बहुत अच्छा लगता है और जब हम लोग घर का कोई एक कोना भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ना तो फिर दिल में जो सुकून जो इत्मीनान आता है ना मैं कहती हूँ वो सुकून इत्मीनान तो शायद पता नहीं किसी चीज़ में नहीं मिलता मैं तो बस वेट कर रही थी कि ये गर्मी थोड़ी सी जाए और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो मैं अपनी बालकनी को अच्छी तरह साफ़ करूं और कोई भी चीज़ कोई भी ख़्वाब जो है ना वो मैं कहती हूँ एकदम से पूरे नहीं हो जाते हैं चार साल में देखिए कब से मैं सोच रही थी मैं प्लांट्स ले कर आऊँ ले के और तकरीबन हमें एक साल हो गया है प्लांट्स को इकट्ठे करते कलेक्ट करते कभी मैं एक ले आती हूँ आधा ले आती हूँ दो ले आती हूँ तो बस अभी देखिए जी माशाल्लाह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं ये हो चुके हैं और प्लांट्स मैं कहती हूँ किसको पसंद नहीं होते मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा ऐसा होगा जिसको प्लांट से प्यार ना हो और जब से मैंने बालकनी के इस एरिए में रखे हैं ना हम लोग बाहर लिविंग एरिए में जब भी बैठे होते हैं दरवाज़ा खोलते हैं ना बालकनी का सामने से ये प्लांट्स नजर आ रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं तवीद को ये कह रही थी थोड़ी सी गर्मी जाती है ना तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कारपेट डालेंगे और यहाँ पे बैठ के दिन का खाना या शाम का खाना हम लोग खाया करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये सारा एरिया जो है ना इसको फिर मैंने अच्छी तरह जो है साफ़ किया और मैंने यहाँ पे नीचे सरफ़ डाला और सरफ़ के साथ उसको पहले एक मैंने छोटा सा स्पून लिया था उसके साथ साफ़ किया फिर मैंने ऊपर मोप लगाया तो फिर ये मेरा सारा एरिया बहुत अच्छे से जो है वो साफ़ हो गया आप लोग रोज़ाना नवीद की तबीयत का पूछ रहे होते हैं तो थोड़े से नवीद बेहतर हैं समझ नहीं आ रही कि सर्जरी को टू वीक्स होने वाले हैं लेकिन अभी तक उनके जो ज़ख्म हैं वो ठीक क्यों नहीं हो रहे और यहाँ पे विकास चल रही है तो मुझे इतना दुख होता है कि किसी डॉक्टर ने उनको अभी तक जो है वो दोबारा से चेक नहीं किया पूरा वन वीक जो है गुजर चुका है उन्हें हॉस्पिटल से घर आए बल्कि ज्यादा दिन हो गए हैं सिर्फ उनकी ड्रेसिंग एक नर्स कर देती है बस इसके अलावा किसी भी डॉक्टर ने उनको अभी तक चेक नहीं किया कल तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और नताशा से मैंने कहा आप अपार्टमेंट लो ये बाजू में अभी तक इतना हार्ड है बाजू और इतनी पेन है कि बाजू बिल्कुल निवीज़ से सीधा भी नहीं करने हो रहा ऊपर से उन्होंने जो गले में नालियाँ लगाई हैं पता नहीं किस तरह से लगाई हैं वो भी उनको इतना उनको पेन होती है बहुत पेनफुल है उनके लिए कल तो मैं देख देख के परेशान हो रही थी कि उनकी लेग्स में भी जो है ना वो ब्लड ऐसे नज़र आ रहा था आपको पता है गर्मियाँ हो बच्चे घर हो तो हर टाइम बच्चे रोटी कहाँ पसंद करते हैं खाना तो कभी डिफरेंट डिफरेंट मैं ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बनाऊँ सो so, आज मैंने सोचा कि चलो उनके लिए बनाती हूँ पास्ता और जैसे ही मैंने देखा फ्रिज में मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी पालक पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना पालक वाला पास्ता जो है ये बनाया जाए मैंने क्या किया मैंने रखा जी पास्ता उसके अंदर मैंने डाला साल्ट थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला ऑयल और बस इसको मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए दस से पंद्रह मिनट के लिए मैं नॉर्मली जो है ना फ़जर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर की सोती हूँ ज़्यादा से भी ज़्यादा जो है ना मैं साढ़े सात आठ बजे जो है मैं उठ जाती हूँ उसके बाद मेरी कोशिश ये होती है जब तक बच्चे उठे घर की क्लिनिक वगैरह हो जाए और जब बच्चे उठे नाश्ता करें उसके बाद मुझे दिन का खाना रेडी करना होता है निवीद चूँकि आते हैं बारह बजे हॉस्पिटल से और बारह बजे तक मेरा दिन का लंच जो है बिल्कुल रेडी होता है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा सा भी मेरा खाना जो है वो लेट हो खैर ये देखें जी ये बेबी स्पिनच मेरे पास पड़ी हुई थी और इसको मैंने बारीक बारीक जो है उसको मैंने काट लिया और ये पालक वाला पास्ता बहुत मज़े का बनता है आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा आपको पता है बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो हम पकाते हैं बच्चे नहीं खाते हैं पालक आलू बना लें चिकन में कुछ डाल लें बच्चे कह रहे होते हैं हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना लेकिन पास्ता फार्म में आप बच्चों को वेजेस डाल के देते हैं या पीजे पर वेजेज डाल के देते हैं तो बच्चे फिर भी खा लेते हैं बड़े सारे लोग जो मेरे से मोहब्बत करने वाले होते हैं ना वो डेली मेरे से बार बार पूछ रहते हैं कि आप डेली वीडियोस क्यों नहीं लगाती तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूं क्या वही सादी सी रूटीन है वही मैं कहती हूँ सिंपल सा खाना जो आप लोग बना रहे होते हैं मैं बना रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि उसी दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ जब मैं कुछ स्पेशल सा बनाऊँ वरना जैसे कल मैंने साबत माश बनाई थी और परसों जो है वो मैंने आलू बैंगन बनाए थे तो बस मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की पास्ते की वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने लिया दो चम्मच बटर और ये वही पैन था जिसके अंदर मैंने पास्ता बॉईल किया था तो बस मैंने इसको रख दिया ड्रेन आउट होने के लिए और उसी के अंदर मैं बनाऊंगी इसकी सॉस लहसन डाला है बारीक सा इसको मैंने चॉप कर लिया था और बस इसको जो है ना लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है जब लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैंने दो चम्मच भर के भर के जो है ना मैंने इसमें डाला था मैदा दो से तीन चम्मच मैदा होगा और आंच को भी मैंने कर दिया स्लो इसको तीन से चार मिनट के लिए इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे और मैं चूँकि ऑयल या बटर थोड़ा कम यूज़ करती हूँ इसलिए बस आपको जो है ना वो इस तरह से लग रहा है अच्छा इसकी ना जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी मैदे की तब तक इसको जो है ना भूनना है उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी जी ये पालक और टाइम चूँकि मेरे पास कम था साथ साथ मैं क्लीनिंग में लगी हुई थी इसलिए बस देखें जी मैंने जल्दी जल्दी बस पालक को जो है ना वो काट लिया वरना इसको फाइन अगर हम चॉप करते हैं ना पालक को तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह से इतने ड्रामे नहीं करते हैं खाना खाते हुए हाँ जो चीज़ पसंद नहीं है वो थोड़ी खा लेंगे छोड़ देंगे या कह देंगे हमें साथ ब्रेड दे दो कुछ इस तरह से वरना कुछ बच्चे होते हैं ना घरों में दो दो तीन तीन किस्म की चीज़ें बन रही होती है माओ को हो रहा होता है ये बनाना है वो बनाना है नहीं कुछ भी मैं इनके लिए बनाती हूँ माशाल्लाह से ये आराम से बस खा लेते हैं जितना इन्होंने खाना होता है अच्छा पालक को भी साथ में दो चार मिनट के लिए भुना उसके बाद मैंने सब्ज़ मीट कट करके डाली है और अब इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन दो से तीन गिलास जो कप जो है वो दूध के काली मिर्ची ऐड की हैं साल्ट ऐड किया है और ही गन ऐड किया है और इसको तकरीबन हम पाँच से दस मिनट के लिए पका लेंगे बच्चे जो है ना मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में मैं अपने साथ बिज़ी रखूं और बच्चों को मैं दे के आई हुई थी कमरे में होमवर्क करने के लिए और इनको उर्दू या इस्लायत का कुछ होमवर्क है कुछ दो तीन लाइंस वो मैं इनको दे देती हूँ लिखने के लिए तो बच्चे यहाँ पर होमवर्क कर रहे थे उठ गए थे नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया था ये देखें जी हमारा मज़ेदार किस्म का पास्ता भी रेडी हो चुका था अच्छे से जब इसकी व्हाइट सॉस थिक हो गई ना तो बस इसके अंदर मैंने डाला जी पास्ता और इसको दो मिनट के लिए मज़ीद दम पे लगा दूंगी आप चाहें तो यहाँ पे इसमें डाल दें थोड़ी सी मोजेला चीज़ या थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं मज़ीद इसके टेस्ट के लिए मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली ऑलिव्स पड़े हुए थे तो बस इसके ऊपर थोड़े से मैंने ऑलिव्स भी डाल दिए उससे भी बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है तो ये देखें जी अलहमद लाला से मज़ेदार किस्म का हमारा लंच हो गया था रेडी निविद ने पास्ता ये नहीं खाना था क्योंकि इसमें पालक थी उनके लिए सालन पड़ा हुआ था तो जब वो हॉस्पिटल से आए तो उनके लिए मैंने बना ली थी रोटी जिस दिन नवीद के थोड़ा सा सालन पड़ा होता है ना फिर मेरी कोशिश वो होती है कि जो चीज़ें निविद ने नहीं खानी उस टाइम पे मैं बच्चों के लिए वो बना लेती हूँ ताकि बच्चे भी वो चीज़ खा लें तो ये देखें जी बच्चों ने बड़ा अलहमदिल्ला से एंजॉय करके खाया पास्ता और सारे बच्चों को बहुत पसंद आता है आपको बताया है, अगर बच्चों को एक्टिविटीज़ में बिजी ना रखा जाए ना तो बच्चों का क्या काम होता है मोबाइल लेके बैठना और टीवी देखते रहना और मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम जो है ना बच्चे मोबाइल और टीवी को यूज़ करें उसके बाद खाना छाना खा के जोहर की नमाज़ पढ़ के मैं होगी फ्री और बस मैं यहाँ पे बेडिंग चेंज कर रही थी अपने कमरे की वीकली जो है ना मैं बेडिंग चेंज करती हूँ और एक हफ्ते में अपनी चेंज कर लेती हूँ नेक्स्ट हफ़्ते जो है मैं बच्चों की चेंज कर लेती हूँ बस इसी तरह से ये चल रहा होता है कॉटन की बेडशीट जो है ना ना मुझे पसंद है ना ही नवीद को पसंद है सो इसके ऊपर मुझे जो दूसरी वाली है ना वो जरूर डालनी पड़ती है नवीद कहते हैं कि कॉटन की बेडशीट ना इतनी ईजी फीलिंग इंसान कर रहा होता और जो दो तीन मेरी फेवरेट बेडशीट्स है ना वो कभी एक नताशा ने डाली होती है दूसरी मैंने तीसरी बच्चे ने डाली हुई होती है और ये देखें जी शाम के टाइम कैसा मौसम हो गया था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया एकदम से बारिश स्टार्ट होगी हम लोगों ने जो है ना वो शुक्र किया कि उनके पिछले वीक इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि बस बर्दाश्त नहीं हो रही थी थर्टी सिक्स जो है यहाँ पे टम्परेचर चल रहा था और जब बारिश स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने इतना सारा बारिश को एंजॉय किया ना बस दरवाज़े मैंने सारे खोल दिए सारी खिड़कियाँ खोल दी और ख़ूब सारा बैठ के हम लोगों ने बारिश को इन्जॉय किया इवन फाइक रमीज तो मुझे कह रहे थे मामा हमें बाहर ना नहाने के लिए भेजो मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी बारिश में को नहीं भेजना उसके बाद ये देखें जी शाम को फिर मैंने ना थोड़ा सा बना लिया यहाँ पे सालन काली तोरी पड़ी हुई थी तो उसका सालन मैंने बना लिया शाम को और आटा जो है वो बस गूंद के मैंने रख दिया था दिन को और बस जिस टाइम खाने का टाइम होता है बिल्कुल उसी टाइम मैं गरम गरम जो है ना वो फुलके बनाती हूँ कभी भी जो है ना मैंने रोटियाँ बना के पहले नहीं रखी हमेशा जिस टाइम हम लोगों ने खाना खाना होता है मेरी कोशिश ये होती है कि उसी टाइम गर्मा गर्म जो है वह रोटी बना के रखूँ और फिर जब गर्मा गर्म रोटी होती है ना तो वो खाने में भी मज़ा आता है बालकनी जो है ना वो साफ़ हुई हुई थी तो बस मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ ही ना नमाज पढ़ के यहाँ पे बैठी रूम चार बजे जो है ना मैंने ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस लेनी होती हैं और बच्चों को चूंकि छुट्टी थी आज तो मैंने सोचा कि चलो फाइक रमीज़ और हुन को बैठ के पढ़ाती हूँ सो so, यहाँ पे हुरैन मिस जो है वो अपनी नमाज याद कर रही थी और साथ ही साथ ही अपने कायदे का भी रिवाइज़ कर रही थी फाइक और रमीज़ जो है ना उनको मैंने पहले पढ़ा दिया था क्योंकि जब हुन को पढ़ाना होता है ना उस टाइम वो कहती है मामा की सारी अटेंशन जो है वो बस मेरी तरफ हो बाकी भाइयों को तो मामा देखे भी ना सो मैं जो है ना अलग अलग से बच्चों को टाइम देती हूँ ताकि कोई बच्चा ये फील ना करे कि हमारा हमें जो है मामा थोड़ी टेंशन दे रही है बस उसके बाद हल्की फुल्की बस क्लीनिंग करने वाली थी और आपको पता है बच्चों वाले घरों में जब छुट्टियाँ होती हैं स्पेशल तो दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा जो है ना वो सफाइयाँ करनी पड़ती हैं बस कभी नताशा कर रही होती है कभी मैं कर रही होती हूँ तो ये बस सारा दिन चलता रहता है और जब घर साफ सुथरा होता है ना तो मैं कहती हूँ बस फिर बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ मैंने जैसे ही शेयर किया ना कि हम कल परसों यहाँ बैठ के खाना खाएंगे तो मिस्टर रमीज़ ने कहा नहीं मामा मैं अपना कारपेट कमरे से उठा के आज यहां पे डालूंगा और हमने जो है ना बस आज यहाँ पे खाना खाना है तो खाना तो खैर हम लोग पहले खा चुके थे लेकिन इसे यहाँ पे डाला कारपेट और गर्मियाँ भी हैं अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि शाम का खाना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खा लें सो कोशिश करके छः से सात बजे हम लोग ज़रूर खाना खा लेते हैं और चूंकि सैटरडे वाला दिन था ना और थोड़ा सा पहले खाना खा लिया क्योंकि मुझे जाना था मार्शे पे मार्चे पे जाते जाते फिर भी हम लोग लेट हो चुके थे और जिस दिन हम लोग लेट मार्चे पे जाते हैं ना फिर बहुत कम जो है ना वो सब्ज़ी फ्रूट बहुत कम बचता है सो दिन को मेरी दिल होता है कि बस ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ और अगर निविद ने सुबह सैटरडे वाले दिन हॉस्पिटल जाना होता है तो मॉर्निंग में तो मेरे से मार्चे पर जाया नहीं जाता क्योंकि बारह बजे तो नहीं घर आना होता है खैर मैंने सोचा कि चलो जो हुआ बस ले आएंगे मार्चे पे मैं गई ना और यहाँ पे देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तानी कुछ ट्रेडिशनल यहाँ पे मैं कहती हूँ बर्तन पड़े हुए थे मधानी मुझे यहाँ पे नजर आई वो रोटियों वाला बाक्स मुझे यहाँ पे नजर आया तो बहुत अच्छा लग रहा था इवन वो जो पाकिस्तान में झाड़ू होते थे ना तिनको वाले वो भी इसके पास पड़े हुए थे और ये जो पंखियाँ होती थी वो भी यहाँ पे पड़ी हुई थी तो देख के बहुत अच्छा लगता है मार्शे पे मैं जब आई और आज हुरान मैडम और नताशा को मैं साथ लेके आई हुई थी नताशा ने कहा कि मामा मुझे एक अबाया और चाहिए तो मैंने यहाँ पे देखना है खैर अबाया तो उसको उसकी पसंद का नहीं मिला और ड्रेस बहुत जबरदस्त किस्म के जो है ना मार्शे पे नजर आ रहे थे ये अरेबिक स्टाइल में ये जो है ना कैजुअल पहन के घरों में काम नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत लंबे लंबे पाऊ तक होते हैं ना तो सो हमने फिर कोई भी नहीं लिया फायर क्रेमीज़ जो है ना उन्होंने कहा कि हम लोग उन्हें नीचे आके खेलना है फुटबॉल और आप जो है वो हुरैन को ले जाए निवीद ने थोड़ा सा रेस्ट करना था और ये वाले आलू बहारे जैसे ही मैंने देखे ना तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये देखने में तो ग्रीन है लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े के हैं और नवीद को तो पिछले कई दिनों से दिल कर रहा था कि उन्होंने आलू बखारा खाना है लेकिन ये वाला नहीं आ रहा था सो मैंने उनके लिए थोड़ा सा आलू बहरा लिया थोड़ी सी उनको अंजीर खाने को दिल करा तो बिल्कुल मैंने थोड़ी सी ली जितनी बस एक दो दिन में वो खा लें और थोड़ी सी मैंने देखी कि सब्ज़ी और जैसे ही मैंने देखी जी मटर और मैंने सोचा कि मटर लेते हैं मटर और आलू जो है ना वो नवीद को बहुत पसंद है मुझे तो खैर आलू मटर गाजर बहुत पसंद है लेकिन उनका दिल करता है कि शोरबे वाला सालन हो उसके बाद हुन मैडम कह थी मामा ये शलजम जो है ना ये वाले लेने हैं मुझे ये बहुत पसंद है फिर कहे नहीं मुझे गाजर खानी है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी गाजर भी ले लेते हैं मैं कहती हूँ छुट्टियाँ हो ना बच्चे घर हों तो बच्चों को अपने साथ साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है सो मैं हुन को ले आई साथ एक तो थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है बच्चों की बच्चे एक्टिव भी रहते हैं साथ ही साथ बच्चे कुछ देखते हैं ना तो बहुत कुछ सीखते हैं और आज तो मैंने ताशा से कह रही थी कि बस इगस्त का मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठने की रूटीन बनाते हैं नमाज़ पढ़ के सोया नहीं करेंगे बल्कि हम लोग नमाज़ पढ़ के सुबह सुबह जाया करेंगे वॉक पे और फायर भी उठाया करेंगे क्योंकि जब अगर लेट देर तक बच्चे सोते हैं ना फिर जब इनके स्कूल्स लगते हैं तो ये बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो इन आने वाले वीक किसी वीक में जो है ना बच्चों की ये सोने जागने की रूटीन भी ज़रूर चेंज करूँगी मार्च से आगे जी वापिस और आते साथ बस जो मैंने चीज़ें लाई हुई थी उनको मैंने फिर समेटा और आ, जैसे ही मैं देखती हूँ ना जब भी मैं मटर वगैरह लेके आती हूँ बच्चे बहुत खुशी खुशी जो है ना मुझे ये छील के देते हैं और ये समझें कि बच्चों को एक करने के लिए एक्टिविटी भी मिल जाती है और मेरा काम भी आसान हो जाता है सो so, मटर जो है वो मैं बच्चों के हवाले करूँगी बाकी चीज़ें जो है मैं उठा के इनको फ़ौरन से दूँगी बिखरा पड़ा घर जो है ना वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता स्पेशल नवीद को तो बिल्कुल भी नहीं मुझे भी बिल्कुल भी नहीं सो मेरी कोशिश ये होती है कि जो वो चीज़ आती है ना उसको फटाफट से जो है ना वो समेट दिया जाए और बच्चों ने फिर यहाँ बैठ के जो है ना बड़े मज़े से मुझे सारे मटर भी छील के दिए और यहाँ बैठ के ये लोग खेलते रहे शाम तक और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और शाम को कभी कभार जो है मैं बच्चों के साथ बैठ के वो चोर्सपाही वाला जो हम लोग खेला करते थे ना बचपन में या सिटी के नियम लिख के हम, हम लोग खेला करते थे बच्चों के साथ मैं वो भी खेल रही होती हूँ और बस बच्चों को मैं इस तरह से अपने साथ अटैच करके रखती हूँ और यकीन जाने के बच्चों को अगर मोबाइल देके बैठा दिया जाए ना तो बच्चे चिड़चिड़े से भी हो जाते हैं और मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है अगर बच्चों को अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखें ना तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं और मेंटली रिलैक्स भी रहते हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग बच्चों का अपने साथ कैसे इन्वॉल्व करके रखते हैं और बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग मेरे पूरे दिन की रूटीन आई होप आपको एंजॉय किया होगा आप लोगों ने मुझे रखिएगा दुआओं में याद अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल हमेशा आप लोगों से दुआओं की रिक्वेस्ट है और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आप लोगों ने इसको लाइक ज़रूर करना है अल्लाह तला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो आमीन अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल अल्लाह हाफिज़ टेक केयर फ़ी अमानीला